1971 युद्ध के 50 वर्ष की 10वीं कड़ी में जब भारत के MiG-21 विमानों ने किया ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर हमला, अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 14 दिसंबर 1971 की सुबह ढाका के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के टेलीफोन ऑपरेटर ने पूर्वी पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किया गया एक अर्जेंट कॉल उठाया। फोन करने वाला शख्स होटल में ठहरे हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के प्रतिनिधि जॉन केली से बात करना चाह रहा था। जब केली ने फोन उठाया तो उस शख्स ने उनसे कहा कि पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर A.M. मलिक आपसे बात करना चाहते हैं। मलिक ने केली और उनके साथी पीटर व्हीलर को गवर्नर हाउस आमंत्रित किया ताकि वो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बात कर उन्हें सलाह दे सके। मलिक ने केली से कहा कि वो अपने साथ रेड क्रॉस के प्रतिनिधि स्वेन लैम्पल को भी लेते आए। इस टेलीफोन कॉल को भारतीय वायुसेना और सेना की पूर्वी कमान की वायरलेस इंटरसेप्शन यूनिट ने इंटरसेप्ट किया। इस बातचीत से ही पता चला कि इस बैठक में पूर्वी पाकिस्तान के मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की वायुसेना के प्रमुख भी भाग लेंगे। पूर्वी कमान के सिग्नल इंटेलिजेंस के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल PC भल्ला सुबह 9:30 बजे इस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल J.F.R. जैकब के पास ले गए। जनरल जैकब ने तुरंत शिलोंग में पूर्वी वायु कमान के प्रमुख एयर वाइस मार्शल देवेशर को फोन मिलाया। दोनों ने तय किया कि अगर गवर्नमेंट हाउस में होने वाली इस बैठक में भारतीय वायुसेना के विमान व्यवधान डालते हैं तो पाकिस्तानी सेना पर हथियार डालने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। इस महत्वपूर्ण बैठक का समय निर्धारित किया गया था 14 दिसंबर को 12:00 बजे। वायुसेना की पूर्वी कमान को इस बैठक के शुरू होने से सिर्फ 1 घंटा पहले निर्देश मिले कि उसे ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर हमला करना है। सूचना पहुंचने में थोड़ी गड़बड़ी हुई। गुवाहाटी में ग्रुप कैप्टन मालकम वॉलन को बताया गया कि यह बैठक सर्किट हाउस में होगी। वॉलन दौड़ते हुए ऑपरेशन रूम में पहुंचे जहां विंग कमांडर भूप बिश्नोई कुछ साथी पायलटों के साथ चाय पी रहे थे। वॉलन ने बिश्नोई को जल्दी जल्दी ब्रीफ किया और कहा कि उन्हें 11:50 पर ढाका के ऊपर होना है। उस समय पाकिस्तानी समय के अनुसार सुबह के 11:25 हुए थे। नक्शे के नाम पर उन्हें बर्मा शेल कंपनी का एक टूरिस्ट मैप दिया गया जिसे उन्होंने अपनी साइड पॉकेट में खोस लिया। BBC से बात करते हुए विंग कमांडर भूप बिश्नोई ने याद किया, मैं अपने कॉकपिट में बैठा, मैंने हवाई जहाज स्टार्ट किया। उस वक्त सिर्फ हमारे पास 24 मिनट थे अटैक करने के लिए, टाइम हमें दिया गया था, और 21 मिनट का फ्लाइंग टाइम था गुवाहाटी से ढाका तक का। सो 3 मिनट हमारे पास सारे बाकी थे। मेरे हवाई जहाज स्टार्ट करने के बाद में जैसे मैं हुड को बंद करने लगा, मैंने देखा कि एक ऑफिसर भागा भागा आ रहा है, उसके हाथ में कोई पेपर है, वो उसको हवा में घुमाता हुआ मुझे दिखलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने से पूछा क्या बात है, वो कहने लगा सर देयर इज अ चेंज इन टारगेट। मैंने कहा क्या? कहने लगा जी आपका टारगेट अब सर्किट हाउस नहीं है, गवर्नर्स हाउस। तो मैंने कहा गवर्नर्स हाउस ये कहाँ है? कहता वो आप पता कीजिए। तो मैंने बाकी 3 पायलट जो मेरे साथ जा रहे थे उनको किसी को नहीं बताया कि देयर इज चेंज इन टारगेट, क्योंकि अगर मैं बताता तो मुझे रेडियो पे बताना पड़ता, और रेडियो पे बताता तो वो ट्रांसमिशन सारी दुनिया भर में हो जाती, कोई भी सुन सकता है, और हमारी जो मिशन जो सीक्रेट था और सरप्राइज हम देना चाहते थे उस मीटिंग को, वो सब रद्द हो जाती। इस बीच गुवाहाटी से 150 किलोमीटर पश्चिम में हाशिमारा में विंग कमांडर RV सिंह ने 37 स्क्वाड्रन के CO विंग कमांडर SK कॉल को बुलाकर ब्रीफ किया कि उन्हें भी ढाका के गवर्नमेंट हाउस को ध्वस्त करना है। कॉल का पहला सवाल था कि गवर्नमेंट हाउस है कहां? इसके जवाब में उन्हें भी
बर्मा शेल पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से जारी किया गया एक 2 इंच का टूरिस्ट मैप दिया गया। विंग कमांडर एस के कॉल याद करते हैं। उसको लेकर के हम लोग ढाका की तरफ रवाना हुए और जब वहाँ पहुंचे तो हमने 2-3 चक्कर मारे लोकेट करने के लिए एक्यूरेटली, और एक आध पास भी किया टारगेट के ऊपर जिसमें कि लोग तिथर बितर हो जाए, जो कि आसपास जो लोग थे वहाँ ना रहे जिसमें कि उनको कोई डैमेज ना हो, उनको कोई चोट ना पहुंचे। इस बीच बिश्नोई को गुवाहाटी से उड़े 20 मिनट हो चुके थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि वो 3 मिनट के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने वो नक्शा अपनी जेब से निकाला, बिश्नोई ने याद किया। मैंने अपने पायलट को बताया कि हमारा जो टारगेट है ये लेफ्ट 11 o'clock पे आ रहा है शायद, तो हम बिल्कुल ट्री हाइट्स के ऊपर फ्लाई करते हुए उस जगह के पास से निकले देखने के लिए कि बाकी जगह सही है या नहीं है। और जैसे पास से निकले मैंने देखा कि ढेर सारी कारें वहाँ पे आ रही हैं, कुछ मिलिट्री की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और फ्लैग पाकिस्तान का उस बिल्डिंग के ऊपर लहरा रहा है गुंबद के ऊपर। तो मैंने सबको बताया कि टारगेट यही है जो हम देख रहे हैं हमारे लेफ्ट में, आप इसको अटैक करेंगे। तो चारों हवाई जहाज जो MiG-21 हम फ्लाई कर रहे थे वो एक दूसरे के पीछे स्टैगर फॉर्मेशन में चले गए और हमने गवर्नमेंट हाउस के ऊपर रॉकेट्स के साथ में हमला किया। उस समय गवर्नमेंट हाउस में गवर्नर डॉक्टर A.M. मलिक अपने मंत्रिमंडल के साथियों से मंत्रणा कर रहे थे। तभी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि जॉन केली वहां पहुंचे। मलिक ने मंत्रिमंडल की बैठक बीच में ही छोड़कर केली को रिसीव किया। मलिक ने केली से पूछा कि वर्तमान परिस्थितियों के बारे में उनका आकलन क्या है। केली का जवाब था, आपको और आपके मंत्रिमंडल के लोगों को मुक्तिवाहिनी अपना निशाना बना सकती है। केली ने उन्हें सलाह दी कि आप तय किए गए तटस्थ क्षेत्र इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में शरण ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको और आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा देना होगा। मलिक का जवाब था कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते कि कहीं इतिहास ये ना कहे कि वो बीच लड़ाई में मैदान छोड़कर भाग गए। मलिक ने केली से पूछा कि क्या वो अपनी ऑस्ट्रियन पत्नी और बेटी को होटल भेज सकते हैं। केली ने कहा कि वो ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को इसका आभास हो जाएगा और वो ये खबर जरूर फैलाएंगे कि गवर्नर का भविष्य से विश्वास उठ गया है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार को होटल की शरण में भेज दिया है। अभी ये बात चल ही रही थी कि लगा कि गवर्नमेंट हाउस में जैसे भूचाल आ गया हो। बिश्नोई के छोड़े रॉकेट भवन पर गिरने शुरू हो गए थे। पहले राउंड में हर पायलट ने 16 रॉकेट दागे। बिश्नोई ने मुख्य गुंबद के नीचे वाले कमरे को अपना निशाना बनाया। भवन के अंदर हाहाकार मच गया। केली और उनके साथी व्हीलर जंगले से बाहर कूदे और बचने के लिए बाहर पार्क में खड़ी एक जीप के नीचे छिप गए। जॉन केली अपनी किताब 3 Days in Dhaka में लिखते हैं, हमले के दौरान मेरा मुख्य सचिव मुजफ्फर हुसैन से सामना हुआ। उनका रंग पीला पड़ा हुआ था। मैं 20 गज दूर एक बंकर की तरफ भागा जो पहले से ही पाकिस्तानी सैनिकों से भरा हुआ था। मेरे सामने से मेजर जनरल राव फरमान अली दौड़ते हुए निकले। वो भी बचने के लिए कोई आड़ ढूंढ रहे थे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने मुझसे कहा, भारतीय हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। विंग कमांडर बिश्नोई के नेतृत्व में उड़ रहे 4 MiG-21 विमानों ने धुएं और धूल के गुबार से घिरे गवर्नमेंट हाउस पर 128 रॉकेट गिराए। जैसे ही वो वहां से हटे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जी बाला के नेतृत्व में 4 स्क्वाड्रन के 2 और MiG-21 वहां बमबारी करने पहुंच गए। बाला और उनके नंबर 2 हेमू सरदेसाई ने गवर्नमेंट हाउस के 2 चक्कर लगाए और हर बार 4 रॉकेट भवन पर दागे। नीचे से विमान भेदी तोपें भारतीय विमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। MiG-21 के 4 हमलों और 192 रॉकेट दागे जाने के बावजूद गवर्नमेंट हाउस धराशायी नहीं हुआ था।
हालांकि उसकी कई दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जैसे ही हमला समाप्त हुआ, केली और उनके साथी एक मील दूर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर रवाना हो गए। वहां पर मौजूद लंदन ऑब्जर्वर के संवाददाता गाविन यंग ने केली को सलाह दी कि दोबारा गवर्नर हाउस चलकर वहां हो रहे नुकसान का जायजा लिया जाए। गाविन का तर्क था कि भारतीय विमान इतनी जल्दी वापस नहीं लौट कर आएंगे और उन्हें दोबारा ईंधन और हथियार भरने में कम से कम एक घंटा लगेगा। जब तक केली और गाविन दोबारा गवर्नर हाउस पहुंचे, मलिक और उनके सहयोगी भवन के ही एक बंकर में घुस चुके थे। मलिक ने अभी भी इस्तीफा देने के बारे में फैसला नहीं लिया था। वो अभी मंत्रणा कर ही रहे थे कि अचानक ऊपर से गोलियों की बौछार की आवाज सुनाई दी। भारतीय वायुसेना 45 मिनटों के अंदर गवर्नमेंट हाउस पर अपना तीसरा हमला कर रही थी। इस बार हमले की कमान थी हंटर उड़ा रहे विंग कमांडर एसके कॉल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश मसंद के पास। कॉल ने, जो बाद में भारत के वायुसेना अध्यक्ष बने, बीबीसी को बताया, हमने एक प्रिकॉशन ये लिया था कि हमने अपने अटैक को जरा हाइट पर रखा, जिसमें कि हम डाइव इतनी नीचे ना आए कि उनके स्मॉल आर्म्स है उसके ऊपर ही हम रहें, जिसमें कि हमको अपने ऊपर जो हमारे जहाज पर डैमेज हो वो कम से कम हो। चूंकि सुप्रीमेसी हमारी हो गई थी इतनी, दूसरी चीज ये कि ढाका एक्सट्रीम रेंज पे था हसी महाराज से, तो थोड़ा सा फ्यूल को कंजर्व करने के लिए हम हायर ऑल्टीट्यूड पे गए थे, जिससे कि हम ढाका के ऊपर 3-4 चक्कर लगा सकें पिन पॉइंट करने के लिए टारगेट को। विंग कमांडर कॉल के साथ गए उनके विंग मैन फ्लाइंग ऑफिसर हरीश मसंद से भी बीबीसी ने बात की। उन्होंने याद किया, मेरे को जितना याद है अभी गवर्नमेंट हाउस के फ्रंट में फसाद के वहां पर जो फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा सा कुछ दरवाजा या खिड़की शरीके थी जो मैंने स्पॉट करा था, तो उस पे हमने निशाना लगाया कि वहां पर या तो कॉन्फ्रेंस हॉल हो सकता है या कोई मीटिंग हॉल हो सकता है या कुछ हो सकता है, और दीवाल पे अगर हम लोग रॉकेट डालेंगे तो दीवाल पे डैमेज क्या होगा, थोड़ा सा शायद कॉलम वगैरह थोड़ा वीक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस खिड़की और दरवाजे के थ्रू हमको अपने रॉकेट्स और गन्स डालनी थी। तो पहली अटैक हम लोगों ने करी उस पे बड़ी एक्यूरेट सुपीकॉल लीड कर रहे थे, उनके रॉकेट्स मैं देख रहा था पीछे से, पूरे सब वो दीवार के अंदर ही, समझ लीजिए वो दरवाजे के अंदर या बड़ी खिड़की के अंदर ही चले गए। उसके पीछे पीछे मैंने अपना निशाना लगाया था तो वो भी सब गए। उसके बाद फिर पुल अप करके थोड़ा सर्कल करके फिर हम लोगों ने गन्स के साथ एक लंबा अटैक करा। बाद में गवर्नमेंट हाउस में मौजूद गाविन यंग ने अपनी पुस्तक गाविन यंग वर्ल्ड अपार्ट ट्रेवल्स इन वॉर एंड पीस में लिखा, भारतीय जेटों ने गरजते हुए हमला किया, धरती फटी और हिली भी। मलिक के मुंह से निकला, अब हम भी शरणार्थी हैं। केली ने मेरी तरफ देखा मानो बिना बोले पूछ रहे हों, आखिर हमें यहां दोबारा आने की जरूरत क्या थी। अचानक मलिक ने एक पेन निकाला और कांपते हाथों से एक कागज पर कुछ लिखा। केली और मैंने देखा कि ये मलिक का इस्तीफा था जिसे उन्होंने राष्ट्रपति याहिया खां को संबोधित किया था। अभी हमला जारी ही था कि मलिक ने अपने जूते और मोजे उतारे, बगल के गुसलखाने में अपने हाथ पैर धोए, रुमाल से अपना सिर ढका और बंकर के कोने में नमाज पढ़ने लगे। ये गवर्नमेंट हाउस का अंत था, ये पूर्वी पाकिस्तान की आखिरी सरकार का भी अंत था। दो दिन बाद ही पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए और एक मुक्त देश के तौर पर बांग्लादेश के अभ्युदय का रास्ता साफ हो गया। इस युद्ध में असाधारण वीरता दिखाने के लिए विंग कमांडर एस के कॉल को महावीर चक्र और विंग कमांडर बी के बिश्नोई और हरीश मसंद को वीर चक्र प्रदान किए गए। रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली।